हे गाइस, तो बहुत दिनों बाद अनफॉर्चुनेटली आज आप लोग को कोई भी गेम प्ले वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। मगर क्यों? और जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट देखे होंगे उनको पता भी होगा इसका रीजन। खैर, इसी बहाने आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे मॉड्स देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट P1.21 के, जो कि भाई सभी प्लेयर्स के पास होना चाहिए। क्या बात कर रहे? और स्पेशली भाई वीडियो क्रिएटर्स के पास तो ये मॉड्स होने ही चाहिए। और आज मैं आप लोग को भाई वीडियो के एंड में एक मस्त सा शेडर भी देने वाला हूँ। इन शॉर्ट भाई, आज की इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ मिलने वाला है। वाओ, फाइनली आज मेरे को जीएफ भी मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बस वही नहीं मिलेगा, लेकिन आप मुझे कुछ जरूर दे सकते हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। पर मैं तो बस लाइक करने बोल रहा था गाइस। इस वीडियो में लाइक जरूर से कर देना, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम लोग 20 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे गेम प्ले वीडियोस जरूर से देख लेना, क्योंकि भाई मैं मेनली इस चैनल पे गेम प्ले वीडियोस ही डालता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सभी मॉड्स के लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन डाउनलोड करने से पहले एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना, क्योंकि भाई मैं बंगाली हूँ और मैंने मॉड्स के अंदर एक जादू कर रखा है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो आपका मॉड अच्छे से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले सिंपल मोड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हार्डकोर मोड। वैसे तो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में भी ऑफिशियली भी काफी जल्दी हार्डकोर मोड आने वाला है, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आप लोग इससे काम चला सकते हो, क्योंकि ये भी एकदम ओरिजिनल हार्डकोर मोड की तरह ही होता है। लाइक जब आप लोग इस हार्डकोर मोड पे मर जाओगे तब आप लोग स्पेक्टेटर मोड पे पहुंच जाओगे, और उसके बाद आप लोग इस वर्ल्ड को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। मानता, प्रूफ दे। अब भाई प्रूफ दिखाने के लिए मेरे को मरना पड़ेगा क्या? चलो मर के ही दिखा देते हैं। तो देखो, जैसे ही आप लोग यहाँ पे मरोगे तो यहाँ पे आप लोग के पास रिस्पॉन का ऑप्शन तो आएगा, बट रुको जरा, सबर करो। यहाँ पे आप लोग जैसे ही रिस्पॉन पे दबाओगे, यहाँ पे आप लोग खेल तो सकते नहीं, यहाँ पे बस आप लोग भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, देख सकते हो, और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी आ जाएगा प्लीज डिलीट दिस वर्ल्ड। तो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट मोड है चील की आंख, मतलब नाइट विजन मोड। तो इस मोड का यूज तो आपको पता ही है, रात के समय होता है। तुम्हें शर्म है कुछ? अबे यार, ऑब्वियसली भाई नाइट विजन मोड है तो रात के समय ही ना यूज होगा। तो चलो फटाफट से मैं यहाँ पे नाइट कर लेता हूँ पहले। तो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी रात हो रहा है, फिर भी हम लोग को एकदम सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई मेरी आंखें तेज है ना। भाई आप लोग भी गाजर खाया करो, आपकी भी आंखें तेज हो जाएगी। इतनी रात में मेरी एक्स किसका इंतजार कर रही है? खैर छोड़ो गाइज, हटाओ एक्स, लाओ नेक्स्ट। तो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो भी रात से रिलेटेड ही है। लाइक काफी लोगों को भाई नाइट विजन मोड यूज करना अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग ये मोड जरूर से यूज कर सकते हो। तो इस मोड का नेम है डायनेमिक लाइट। तो गाइज, एक्चुअली इस मोड का यूज करके हम लोग अपने ऑफेंड में भी टॉर्च पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टॉर्च ले लेते हैं, और देखो ये मोड यूज करने से पहले आप लोग को अपने सारे एक्सपेरिमेंट ऑन कर देने हैं, वरना यहाँ पे जैसा मेरा हाल हो रहा है वैसा ही हाल होगा, मतलब ये मोड अच्छे से काम नहीं करेगा। और अगर आप लोग को इस मोड के बारे में और भी विस्तार से जानना है तो आप लोग को आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लाइक इस वीडियो में मैंने उतना विस्तार से नहीं बताया इन मोड्स के बारे में, तो अगर आप लोग को इन मोड्स के बारे में विस्तार से जानना है तो आप लोग को आई बटन पे लिंक मिल जाएगा सारे वीडियोस का, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट मोड है द TYEL मोड। तो ये मोड एक्चुअली है F5 मोड। तो गाइस, इस मोड का यूज करने से आप लोग को अपना POV चेंज करने के लिए उतना सेटिंग के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। ये मोड आप लोग को अपने स्क्रीन पे एक F5 का बटन दे देता है। तो उसको अनेबल कैसे करना है, लाइक आप लोग को सबसे पहले पॉज करना है, और यहाँ पे आप लोग को अनेबल सेटिंग ओवरले दिख रहा है, इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग के पास यहाँ पे दो बटन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला बटन है इससे हम लोग अपना POV चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे मैं एक ही क्लिक में कैसे अपना POV चेंज कर रहा हूँ। और ये जो दूसरा बटन है इससे हम लोग अपना FOV चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग अपने गेम मोड को भी स्विच कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग स्पेक्टेटर मोड पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पे मैं एक ही क्लिक में भाई स्पेक्टेटर मोड पे भी आ चुका हूँ, और यहाँ पे भाई मेरे नीचे ही भाई एक ट्रायल चेंबर भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट मोड है वो स्पेक्टेटर मोड से ही मिलता जुलता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मोड है एक्सरे मोड। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि आप लोग इस एक्सरे मोड का यूज करके कोई भी और एकदम साफ साफ देख सकते हो, कोई भी और। कुछ समझे दया? यस गाइस, तो इस मोड का यूज करके आप लोग डायमंड भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर आप लोग इस एक्सरे मोड को नॉर्मली यूज करोगे तो आप लोग को इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, लाइक आप लोग को अंधेरा दिखेगा। लेकिन आप लोग उसको चाहो तो हटा भी सकते हो, उसके लिए आप लोग को कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग मेरा एक्सरे मोड वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने सारा सेटिंग एकदम अच्छे से बता रखा है। तो गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोबाइल एक्सपोर्ट। तो इस मोड का यूज करके आप लोग अपने कोई भी वर्ल्ड का बैकअप बहुत ही इजीली बना सकते हो, उसके बाद आप लोग अपने
माइनक्राफ्ट को अपडेट भी कर सकते हो। तो बैकअप बनाने के लिए आप लोग को सिंपली कोई भी वर्ल्ड के एडिट में चल जाना है और वहाँ पर आप लोग को एकदम नीचे एक्सपोर्ट वर्ल्ड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है तो आप लोग का बैकअप बहुत ही इजिली बन जाएगा। और अगेन आप लोग को अगर विस्तार से जानना है तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। तो अब हमारा नेक्स्ट मोड है फ्री लुक मोड। तो गाइज ये मोड काफी ज्यादा सिंपल बट काफी ज्यादा यूजफुल मोड है। इससे आप लोग भाई बहुत ही अच्छे अच्छे थंबनेल ले सकते हो। आप लोग को थंबनेल लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से खड़ा कर लेना है, उसके बाद आप लोग को क्राउच वाला बटन दबा देना है और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि आप लोग अपने कैरेक्टर से बाहर निकल जाओगे। उसके बाद आप लोग जैसे मन तैसे आप लोग थंबनेल ले सकते हो। बेसिकली ये मोड करता क्या है, तो ये अपने कैरेक्टर को मतलब स्टैचू कर देता है और बिल्कुल भी हम लोग हिल नहीं सकते, चाहे आप लोग का टट्टी लगे या फिर सूसू, आप लोग को ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं आप लोग को हिलना है तो आप लोग को दोबारा से यहाँ पे क्राउच वाला बटन दबा देना है, तो आप लोग यहाँ पे दोबारा से हिलने लगोगे। एंड गाइज अब यहाँ पे वो मोड आने वाला है जिसका आप लोग उतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। यस गाइज आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा, अब हमारा नेक्स्ट मोड है रीप्ले मोड। आई नो गाइज आप में से सभी लोगों को भाई रीप्ले मोड चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को अपने कॉपी वर्ल्ड में चल जाना है और उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक ब्लेज रॉड ले लेना है। और अगेन गाइज रीप्ले मोड में काफी कुछ होते हैं तो मैं उतना विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, बट आप लोग इसका डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस रीप्ले मोड को यूज करना काफी इजी है तो आप लोग बहुत ही इजीली सीख जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग को अपना एरिया सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप लोग को अपना रीप्ले शूट करना है, उसके बाद आप लोग को उसी एरिया में फोकस करते हुए यहाँ पर आप लोग को एड पोजिशन फ्रेम लगाते जाना है जहाँ तक आप लोग को चाहिए और जैसे जैसे आप लोग को चाहिए। लाइक आप लोग जहाँ जहाँ पे पोजिशन फ्रेम लगाओगे आप लोग का कैमरा वही वही पे घूमेगा। उसके बाद जब यहाँ पे सभी पोजिशन फ्रेम लग जाए तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे स्टार्ट कैमरा पे क्लिक कर देना है और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारा सा सिनेमैटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यही सिनेमैटिक पे शेडर लग जाए, ओहो क्या बात है, तो इस वाले शेडर का लिंक भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई शेडर के साथ क्या ही लग रहा है अपना गेम। आई नो गाइज अभी आप लोग को कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि भाई मैं प्ले करता हूँ भाई ओरिजिनल वाला माइनक्राफ्ट और उसमें ये शेडर वगैरह वर्क नहीं करते हैं। तो जो भी मेरे तरह ओरिजिनल वाला माइनक्राफ्ट प्ले करता है वो कमेंट में आके मेरे साथ अपना दुख शेयर कर सकता है। तो गाइज अब जो हमारा नेक्स्ट मोड होने वाला है वो कि मोड नहीं है, वो है मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड और हार्डकोर वर्ल्ड, क्योंकि भाई काफी लोगों को मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड और हार्डकोर वर्ल्ड चाहिए था। तो अगर आप लोग भी मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड और हार्डकोर वर्ल्ड में खेलना चाहते हो तो वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जब अगली बार मैंने अपना सर्वाइवल वर्ल्ड दिया था तो भाई मेरे साथ काफी बुरा चीज हुआ था, जिसको पता है उसको पता है मैं यहाँ पे रिस्क तो नहीं लेने वाला। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आ सकते हो, वहाँ पर आप लोग को मेरे दोनों वर्ल्ड मिल जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे भी आप लोग को काफी सारे मॉड्स और काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग आ सकते हो, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे देके रिस्क तो नहीं लेने वाला ऑब्वियसली। तो चलो गाइज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।